हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा हॉलीडे पैकेजेस के पीछे क्या सच है और हॉलीडे पैकेजेस आपको इतने सस्ते डील्स में कैसे मिलते हैं। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉलीडे पैकेजेस आपने ले लिए हैं तो आप पूरी तरह से फ्री हैं, आपका कोई खर्चा इसके बाद नहीं होने वाला है, केवल शॉपिंग को छोड़ के। बट आपको अगर ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। आपको अगर आप ये सोचते हैं कि हॉलीडे पैकेजेस मैंने बुक करा लिया है, आपको बहुत सारी प्लेसेस घूमने को मिलेंगी, आपको कहीं से भी अपने से आपको कहीं पे कोई बुकिंग नहीं करानी पड़ेगी, तो आप गलत हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि हॉलीडे पैकेजेस में आपको क्या क्या चीज़ें देते हैं और क्या इसकी अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल पता चल सके। इसके अलावा आप मुझे अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं db/shubh के नाम से, और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो की डिटेल में। इस वीडियो में मैंने दो प्लेसेस को पिक किया है, थाईलैंड को और अंडमान के। इन दोनों ही पैकेज को मैं आपको बताऊंगा कि क्या देते हैं इस पैकेज में। मैं डे वन की आपको बताता हूं, पहले थाईलैंड का बताता हूं। डे वन में जो वो देते हैं, 6 दिन की टोटल है, बैंकॉक से पटाया। पहले दिन आप बैंकॉक पहुंचते हैं और बैंकॉक से आपको पटाया ट्रांसफर करते हैं, ये बस इतना ही, आपको कहीं भी घुमाते नहीं है। तो डे वन में आपने क्या किया, आपका खर्चा क्या हुआ, अगर पैकेज के अकॉर्डिंग होटल प्लस ब्रेकफास्ट आपको दिए, लंच डिनर आपको नहीं दे रहे हैं किसी भी जगह पे, केवल एक दो जगह अगर दे दिए तो दे दिए, बाकी वो इंक्लूड नहीं होता है। केवल ब्रेकफास्ट किसी भी पैकेज में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट होता है, ये बजट पैकेज है, बजट पैकेज में केवल यही होते हैं। तो डे वन में आप बैंकॉक टू पटाया ट्रांसफ़र हुए, होटल प्लस ब्रेकफास्ट प्लस आपको ट्रांसफ़र हुआ, जो आप एयरपोर्ट से पटाया तक गए वो हुआ, मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की। डे वन आपका केवल चला गया एक जगह से दूसरे जगह जाने में, मतलब कुछ भी आपने नहीं किया। डे टू में आपको कोरल आइलैंड घुमाते हैं, जिसका ये खर्चा होता है लगभग 1700 से लेके 2000 रुपए का खर्चा आता है। इस दिन आपको क्या खर्चा हुआ, होटल का खर्चा हुआ, ब्रेकफास्ट का हुआ, प्लस आपका लंच, आपका लंच आपको इसमें इस पैकेज में इंक्लूड कर रखा है एक दिन केवल। तो कोरल आइलैंड आज के दिन केवल आपने घूमे और कुछ भी नहीं किया। डे थ्री फ्री होता है, इनके टर्म में इसको बोला जाता है लेज़र बोला जाता है। इस डेट में आपने फ्री है, आपको कुछ भी नहीं, आपको वो करवाएंगे, आप ही करेंगे, जो भी आपको घूमना फिरना है, जो भी करना है अपने से करना है, आज का दिन कुछ भी नहीं है। तो आज भी जो इसमें पैकेज के में अगर देखा जाए तो होटल और ब्रेकफास्ट केवल इतना हुआ। और डे फोर में आपको वापस से वो पटाया टू बैंकॉक ले जाते हैं और होटल प्लस ब्रेकफास्ट, आज भी आपने इनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया, केवल एक जगह से दूसरी जगह गए। डे फाइव में भी आपको वो लेज़र प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको कुछ भी वो नहीं देंगे, आपको अपने से घूमना होगा, फ्री डे है आपके लिए। आज भी आपका होटल प्लस ब्रेकफास्ट इस दिन भी केवल हुआ। और बैक टू इंडिया, 6 दिन आपको वापस से इंडिया ले जाते हैं। इस पैकेज की कॉस्ट क्या है वो मैं आपको बता दूं, वो है 40,000 रुपये इस पैकेज की कॉस्ट है, और एक एडल्ट की। और यही पैकेज जो मेक माई ट्रिप, ये थॉमस कुक का पैकेज था, यही मेक माई ट्रिप का तरफ से दे रहे हैं, वो दे रहे हैं लगभग 38,000 का। और एक और है ट्रिप मी हॉलीडेज, जो मुझे कुछ ठीक लगा, हालांकि ये 33,000 में दे रहे हैं इंक्लूडिंग वीज़ा दे रहे हैं, बट ये केवल लगभग 4 दिन का 5 दिन का दे रहे हैं। 5 दिन में आपको डे वन में बैंकॉक टू पटाया ट्रांसफ़र करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन कोरल आइलैंड घुमाते हैं, तीसरे दिन पटाया टू बैंकॉक वापस ले आते हैं, और चौथे दिन आपको सफारी वर्ल्ड और मरीन पार्क घुमाते हैं, जो कि टोटल खर्चा देखा जाए तो लगभग 5,000 रुपये का, 4,000 रुपये का खर्चा होगा अगर ये सारी एक्टिविटी आप करेंगे साथ में। तो ये केवल इतना है, और पाँचवें दिन रिटर्न है। तो इतना ही कुछ है इसमें, 33,000 है वीज़ा। अगर आप वहाँ से अगर वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लेते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल अब काफ़ी महंगा पड़ने लगा है, लगभग 4,500 का पड़ने लगा है, क्योंकि करेंसी डाउन हुई है, रुपीज डाउन हुई है, उसकी वजह से लगभग 4,500 रुपये से ज़्यादा आपका लग जाता है। तो वीज़ा आप बनवा सकते हैं यहीं पे, पहले से बनवा ले, 30 दिन का टूरिस्ट वीज़ा बन जाता है, वो लगभग 3,000 रुपये से कम में बन जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। अब मैं अंडमान का आपको बताता हूँ, अंडमान में क्या है। अंडमान में डे वन में आपको पोर्ट ब्लेयर आप पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद होटल
मतलब आपको होटल वहाँ पे ले जाते हैं, बीच उस दिन थोड़ा सा घुमा देते हैं, जिसका कि देखा जाए तो बीच का कोई खर्चा होता नहीं है क्योंकि बीच फ्री है, आप अपने से भी घूम सकते हैं। प्लस साइट सीन करा देते हैं एक दो प्लेस जो वहाँ की फेमस प्लेस है, सेल्यूलर जेल वगैरह है, यही सब ये आपको डे वन में कराते हैं। डे टू में पोर्ट प्लेयर से हैवलॉक ट्रांसफर करेंगे, तो इस दिन आपका ब्रेकफास्ट, होटल और बीच और साइट सीन। बीच को मैं तो कहता हूँ आप इंक्लूड ही मत करो, क्योंकि वो आपसे साइट सीन आप कर सकते हो थोड़े बहुत, वो भी फिक्स होता है 2-3 घंटे का बस। तीसरे दिन एलिफेंट बीच में स्नॉकिंग। आज का दिन जो है कुछ सही है, ब्रेकफास्ट है, होटल है, प्लस आपको टूर एक मिल जा रहा है आइलैंड, आइलैंड का क्या स्नॉकिंग वगैरह का मिल जा रहा है। डे फोर में हैवलॉक है, सिर्फ पोर्ट प्लेयर वापस ट्रांसफर करते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, होटल दिया आज और थोड़े से साइट सीन 2-3 घंटे के। फिर उसके बाद डे फाइव में नॉर्थ बे आइलैंड टूर कराते हैं, ब्रेकफास्ट, होटल प्लस आइलैंड टूर आज के दिन भी आपका होगा केवल। डे सिक्स में आपका रिटर्न है। इस टोटल इसकी खर्चा कितना है वो मैं बता दूं, 31,000 है इंक्लूडिंग फ्लाइट है। 31,000 में आप अंडमान घूम रहे हैं। मैंने वीडियो बना रखी है थाईलैंड की भी और अंडमान की भी, दोनों को मैंने कवर किया है, आपका कितना खर्चा होता है इतने दिन में या इससे ज़्यादा दिन में कितना खर्चा होता है वो मैंने उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या खर्चे होते हैं और किस किस प्लेसेस के कितने खर्चे होते हैं और क्या कवर करते हैं आप, इतने ही पैसे में आप क्या कवर कर सकते हैं वो उस वीडियो में आप ज़रूर जान सकेंगे। तो ये थॉमस कुक और मेक माय ट्रिप का था और एक ट्रिप में हॉलीडेज है। इसी तरह बाकी कंपनीज भी प्रोवाइड करती हैं, 2,000-3,000 ऊपर नीचे ये चलता रहता है, बट यही पैकेजेस होते हैं। और महंगे पैकेज में जाएंगे तो हो सकता है साइट सीन प्रोवाइड कर दे, बट वो साइट सीन आप खुद से भी कर सकते हैं और घूम सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें पैकेज में नहीं इंक्लूड होता है। वो है, पहला होता है लंच और डिनर आपका इंक्लूड नहीं होता है। कुछ कुछ पैकेज में प्रोवाइड कर देते हैं बट वो भी पूरे दिन के लिए, मतलब आपको हर दिन के लिए नहीं देते हैं, एक दिन दे दिया तो बहुत है, बट लंच और डिनर 90% पैकेज में नहीं होता है। और दूसरा एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस आपको हर जगह जाकर आपको देना ही होगा, खर्चा आपका वो होगा ही होगा, वो अलग से आपको देना पड़ जाएगा। और इसके अलावा आपको वीज़ा आपको वो नहीं बनवा के देते हैं, एक मैंने पैकेज में बताया है उसमें वीज़ा मैंने बताया कि उसमें देते हैं, बट बाकी सब में नहीं देते हैं। वीज़ा की कॉस्ट अगर थाईलैंड की देखी जाए तो केवल 3,000 रुपये की आती है अगर पहले से आप वीज़ा बनवा के जाएँ तो। और आपको बैगेज का आपको इंक्लूड नहीं करते हैं, बैगेज इंक्लूड नहीं होगा कुछ कुछ आपको पैकेज में, ये भी होता है। बैगेज जैसे एयर एशिया की फ़्लाइट अगर आपकी है तो स्पेशली इसमें होता है, इसमें बैगेज इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके लिए आपको अलग से चार्ज देने पड़ते हैं, इसके लिए आप ज़रूर बात कर लीजिए, लिखा भी नहीं होता है कहीं के पैकेज में। तो अगर आप ये खुद से नहीं करते हैं, मतलब बुकिंग नहीं करते हैं और आपने केवल पैकेज बुकिंग करा ली है, पैकेज सपोज़ आपने करा लिया है 35,000 का, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ थाईलैंड का, तो इसके बाद आपके क्या क्या खर्चे होंगे। मील्स का आपका खर्चा होगा ही 4,000 रुपये का लगभग, अगर आप 4-5 दिन रह रहे हैं तो 4,000 कम से कम खर्चा आपका होगा एक बंदे पे। कन्वेंस का आपका 2,000 का खर्चा होगा ही होगा और इंट्री फीस आपकी 3,000 रुपये लगनी ही लगनी है, अगर आप 2-3 दिन में जो भी जगह थोड़ी बहुत घूम रहे हैं तो कम से कम मैं 3,000 बता रहा हूँ, तो टोटल ये 10,000 का खर्चा हो गया। इसके अलावा आपको वीज़ा 4,500 का वीज़ा ऑन अराइवल होता है अगर वहाँ पे, मैंने जो अपने पैकेज में मैंने बताया है, जो आपको वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर थाईलैंड के ऊपर, उसमें मैंने आपको इतने में लगभग, आप ये आप जोड़ लीजिए, अगर 35,000 में ये जोड़ ले रहे हैं तो 15,000 लगभग ये हो जा रहा है, मतलब 50,000 का आपका पैकेज हो जा रहा है। तो 50,000 के पैकेज में आपको क्या घुमा रहे हैं, आपको कोई प्लेसेस नहीं आपको घुमा रहे हैं, कोरल आइलैंड में घूम रहे हैं तो क्या घूम रहे हैं आप। तो थाईलैंड में केवल वही नहीं है, तो बहुत सारी और भी प्लेसेस है। 50,000 में मैं आपको जो मैंने वीडियो बताई उसमें बहुत सारी प्लेस है और आप 10 दिन उसमें लगभग 10 दिन तो नहीं है 8-9 दिन आप पूरी कवर कर रहे हैं, 3 सिटी कवर कर रहे हैं, बैंकॉक, फुकेट, पटाया, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको पता चलेगा उसमें कहाँ कहाँ आपको घुमाया जा रहा है और क्या क्या प्लेसेस हैं आपको, वो आप देख सकते हैं अगर आप कस्टमाइज बुकिंग करेंगे तो। और इसके अलावा अंडमान का भी है, उसका भी आप वीडियो ज़रूर देख लें। तो ये है, इसके अलावा कुछ माइनस पॉइंट्स है वो मैं बता दूं। माइनस पॉइंट क्या है, वेदर कंडीशन अगर ख़राब हो जाती है तो आपका वो पार्टिकुलर जो भी बुकिंग होगी, सपोज आपको कोरल आइलैंड ले जा रहे हैं तो अगर वेदर कंडीशन ख़राब है तो वो कैंसिल हो जाएगी और उसके लिए आपको दूसरे दिन वो आपको नहीं एक्टिविटी कराएंगे, तो वो आपका ख़त्म है।
बट अगर आप ये खुद से कराते हैं तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि खुद से आप वहाँ पे जाएंगे, आपने बुकिंग कराई या फिर आपको लगा वेदर कंडीशन खराब है आज तो हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट डे कर लेते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, बंधे नहीं रहते हो आप। दूसरा है, आपको बहुत सी प्लेसेस आपसे मिस हो जाएंगी। आप दो दिन थाईलैंड अगर आप जा रहे हो तो दो दिन तीन दिन में नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारी प्लेस है, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे करने को, बहुत एक्टिविटी है, वो आप मिस कर देंगे इतने में। और आपको टाइम की प्रॉब्लम होगी, आपका कोई भी चीज़ फिक्स है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप इस टाइम से ये टाइम ही आपको करना है, आप बंधे हुए होंगे, आपको मतलब अपने से आप फ्री नहीं होंगे। फ्री टाइम देते हैं आपको तो उसमें आप अपने से घूमेंगे, वो एक बेनिफिट है। तो इसके अलावा आप होटल चॉइस, आप होटल अपने से चूज़ नहीं कर सकते, वो आपको होटल देंगे, जो वो आपने कर लिया वही आपके लिए बस है, और आपको मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे और भी होटल सस्ते में भी आपको मिल सकते हैं, तो होटल चूज़ करने का भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। सर्विस कुछ भी बहुत कॉस्टली होती है, जैसे आपने कोई आपने टूर आपके या फिर कोई साइट सीन आपके में इंक्लूड नहीं है, आप उनसे इंक्लूड कराएंगे तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा चार्ज करेंगे, वो एक नुकसान होता है। कुछ कुछ प्लस पॉइंट भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लस पॉइंट क्या है, आपको कोई भी एक्टिविटी की आपको हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, आपने बुकिंग कर दी एक बार, आप फ्री हो, मतलब अब जो खर्चे हो रहे हैं अलग से वो अलग बात है, पर आप फ्री हो पूरी तरह से कि आपको कहीं भी आपको कोई बुकिंग नहीं करनी है, हो गया एकोमोडेशन की बुकिंग, हो गई आने जाने की, ट्रांसफ़र की, एयरपोर्ट की वो बुकिंग हो गई, साइट सीन कुछ हो गए वो बुकिंग हो गई, बस ये हुआ। तो ये आपका हुआ पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हो गया है, आपके पास टाइम रहेगा कुछ एक्टिविटी करने के लिए, फ्री टाइम आपको जो दो दिन तीन दिन जो भी देते हैं जिसमें वो कुछ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो फ्री टाइम आपको दे दिया है, आप अपने मन से घूमिए, थोड़ी बहुत प्लेसेस हैं पर घूम रहे हैं तो खर्चे भी तो हो रहे हैं, पैकेज में तो वो इंक्लूड है नहीं, तो वो फ्री टाइम आपके पास ये रहता है, फ्री टाइम है, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। और आपको ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने का ट्रांसफ़र का वो आपको फ़ायदा होता है कि हालांकि केवल एयरपोर्ट का ट्रांसफ़र देते हैं और साइट सीन में जो एक दो कराते हैं उसमें ट्रांसफ़र देते हैं, बस यही है। और इसके अलावा असिस्टेंस आपको एक मिली रहती है कि कोई अगर आपको वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई असिस्ट करने वाला आपको एक आपके दिमाग में रहेगा कि असिस्टेंस मिलती होगी, तो ये एक बेनिफिट भी है। तो ओवरऑल कई सारे बेनिफिट भी हैं, पर मैं देखता हूँ कि अगर 50%, 40%, 30% बेनिफिट है तो उससे ज़्यादा कहीं 70% आपको इसमें लॉस भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पैकेज बुकिंग नहीं कराएं, पैकेज बुकिंग अगर आपको लगता है आप हेडेक से बचना चाहते हैं बहुत सारी, तो पैकेज बुकिंग भी कराएं, अच्छी डील्स भी देते हैं कई बार आपको फ़्लाइट की, फ़्लाइट में इसमें क्या होता है कि फ़्लाइट इनको सस्ते में मिलती है क्योंकि ये ग्रुप बुकिंग कराते हैं तो इनको फ़्लाइट सस्ते में मिलती है, बट अगर आप खुद से करते हैं तो कभी कभी ये महंगी मिलती है, तो ये तो एक ये भी होती है ये बात, तो इसमें भी आपको बेनिफिट ये भी आप कह सकते हैं इसका। पर ये भी है कि अगर आप अपने हिसाब से बुकिंग कराते हैं तो बुकिंग में हो सकता है आप अपने हिसाब से आगे पीछे डेट करके आप उसको सस्ते में भी डील देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको पैकेज को मत बुक कराएं, पर आप देख भी लें कि आपको मिल क्या रहा है इसमें, और अगर आप खुद से कराएंगे तो आप क्या क्या पाएंगे। वीडियो मैंने दे रखी है, बना रखी है, उसको ज़रूर देखें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या हिडन होते हैं, क्या क्या आप उतने ही पैसे में आप क्या क्या कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो गाइस आज मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी हॉलीडे पैकेजेस के पीछे क्या ट्रूथ है, क्या आपको वो देते हैं, क्या आप खुद से कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको आज मैं बताया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, DB by Shubh के नाम से है, और इसके अलावा फेसबुक पे आप पेज लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। मेक श्योर अपने नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। आज के लिए इतना ही था फ्रेंड।